नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्रीम इलेवन पर भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच की, जो कि होने वाला है 81 घंटों में। तो आइए देखते हैं कि हमारी ड्रीम इलेवन टीम होनी क्या चाहिए। सबसे पहले क्रिएट टीम वन पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं पार्थिव पटेल की तो कोई चांसेस दिख नहीं रही हैं खेलने के लिए। टिम पेन या तो आप ले सकते हैं, लेकिन ये एक हायर रिस्क होगी। और ऋषभ पंत अगर आप लेते हैं तो आप सेफ़ साइड के साथ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से मैं ऋषभ पंत लूँगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इनके पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं टिम पेन के मुकाबले। दूसरी बात करते हैं बल्लेबाजों की। तो बल्लेबाजों में चार तो आपको लेने ही लेने हैं। एक हो गया विराट कोहली, एक हो गया चितवेश्वर पुजारा, एक हो गया उस्मान ख्वाजा, और एक बल्लेबाज आप सेलेक्ट कर सकते हैं मयंक अग्रवाल, बिना किसी डाउट के, क्योंकि इनने अपने पिछले मैच में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया दोनों ही इनिंग्स में। और अब बात करते हैं ऑलराउंडर्स की। और इसके साथ अगर आप पांचवें बल्लेबाज के साथ जाना चाहेंगे, तो मेरी आपको रिकमेंडेशन रहेगी कि आप मार्कस हैरिस या रोहित शर्मा में से किसी एक को चुन सकते हैं। अब बात करते हैं ऑलराउंडर्स की। पहले हम दोस्तों वही प्लेयर्स सेलेक्ट कर रहे हैं जिनका कि हमें पक्का है कि ये लेने ही लेने हैं, फिर बाकी बचे पॉइंट्स के अनुसार हम बाकी प्लेयर्स को लेंगे। ऑलराउंडर में बात करें तो रविंद्र जडेजा ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, और रविचंद्रन अश्विन के खेलने या ना खेलने की उम्मीद अभी नहीं जताई जा रही है। तो वो आप न्यूज़ को मद्देनज़र रखते रविंद्र जडेजा या अश्विन को अपनी टीम में कर सकते हैं। अभी के लिए मैं रविंद्र जडेजा को अपनी टीम में करता हूँ। दूसरे ऑलराउंडर जो कि आप लेना चाहेंगे, वो मेरे हिसाब से रहेंगे ट्रेविस हेड। कई लोग कहेंगे कि हनुमा विहारी भी एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन है, लेकिन मेरे हिसाब से हनुमा विहारी और रविंद्र जडेजा के आने के बाद उतनी गेंदबाजी इन्होंने संभाली नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप हनुमा विहारी को ना लीजिए और ट्रेविस हेड और रविंद्र जडेजा के साथ जाइए। अब आ जाते हैं दोस्तों बॉलर्स के पास। पिछले मैच में नेथन लायन ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन फिर भी ये एक मैच विनर है और इनको लेना बनता है। अब बात करते हैं मिचेल स्टार्क की। अब देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे पास पैसे थोड़े कम बचे हैं। 26 में हमें तीन प्लेयर्स को लेना है, तो एक आपको थोड़ा कम पैसे वाला लेना होगा, जिसमें आप मोहम्मद शमी को ले सकते हैं या फिर मिचेल स्टार्क को ले सकते हैं, या दोनों को भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से यहाँ पर एक चेंज ज़्यादा सही रहेगा, वो ये कि आप मोहम्मद शमी को हटा दें, क्योंकि इनका प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा है, और इनकी जगह आप जसप्रीत बुमराह को ले लीजिए, क्योंकि इनका प्रदर्शन हम सब जानते हैं कि बहुत ही बेहतरीन रहा है। 54 पॉइंट इनने पिछले मैच में ही निकाले, वो भी शायद सिर्फ एक इनिंग में। तो और ऑलराउंडर में आपको एक और चेंज करना होगा, आप ट्रेविस हेड को हटा दीजिए यहाँ से, बैट्समैन में आइए और मार्कस हैरिस को ले लीजिए। अब आप देखेंगे तो हमारी टीम में आपको दिखाई देगा कि ऑस्ट्रेलिया की ओर से बल्लेबाजी काफ़ी कम है और इंडिया की ओर से बॉलिंग थोड़ी कम है। अब इसको बैलेंस करने का हमारे पास एक तरीका है कि हम वापस से आके ट्रेविस हेड को ले लेते हैं। अब ज़रा अपनी टीम को देखते हैं। इंडिया के चार बल्लेबाज हो गए, ऑस्ट्रेलिया के तीन हो गए। और बॉलर्स की बात करें तो जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा और मिचेल स्टार्क और नेथन लायन। पैट कमिंस का प्रदर्शन भी काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप एक थोड़ी हाई रिस्क साइड जाना चाहते हैं, तो आप उसमें ट्रेविस हेड को हटा करके पैट कमिंस ले सकते हैं। बल्कि मैं कहूँगा कि यही सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि पैट कमिंस बल्लेबाजी और गेंदबाजी बहुत ही अच्छी करे हैं पिछले मैच में। तो मेरे हिसाब से यही टीम आपकी ड्रीम टीम होनी चाहिए। बैट्समैन आपको भले ही दिख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी कम हैं, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया का कोई भी बल्लेबाज कंसिस्टेंट नहीं रहा है इन दोनों को छोड़ के, चाहे वो एरन फिंच हो या चाहे वो कोई और बल्लेबाज हो। आप इंडिया के ज़्यादा बल्लेबाजों के साथ जाएंगे तो आप ही को फ़ायदा होगा। और पैट कमिंस, जैसे कि मैंने कहा, बल्लेबाजी अच्छी कर लेते हैं, तो आप उन्हें एज अ ऑलराउंडर ऑप्शन भी टेक कर सकते हैं, क्योंकि वो 25-30 रन बना देंगे, इतना आप मान के चलिए। तो अब बात आती है हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन की। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पैट कमिंस एक ऑप्शन रहते हैं, विराट कोहली एक ऑप्शन रहते हैं और चितवेश्वर पुजारा एक ऑप्शन रहते हैं। लेकिन चितवेश्वर पुजारा पिछले मैच में थोड़े अनकंसिस्टेंट रहे, आप देख सकते हैं इस समय तो इसमें 0 पॉइंट्स दिखा रहा है चितवेश्वर पुजारा के। लेकिन
मयंक अग्रवाल के बारे में आप ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पिछले मैच की पिच भी इतनी कोई ख़ास नहीं थी जो बॉलरों को ज़्यादा मदद करे। इसलिए एक तो मैं कहूँगा कि आप विराट कोहली को कुछ बना सकते हैं, चाहे तो कप्तान बना दें या वाइस कप्तान बना दें, और दूसरा आप पैट कमिंस को भी कुछ बना सकते हैं या नेथन लाइन को भी। अब आपके पास दो इसमें ऑप्शन रहेंगे, या तो आप नेथन लाइन को वाइस कैप्टन बना दें और विराट कोहली को कैप्टन, या आप दूसरा एक चीज़ कर सकते हैं कि विराट कोहली को कैप्टन और पैट कमिंस को वाइस कैप्टन, और यही होगी आपकी ड्रीम टीम। और दोस्तों ये गारंटी तो खैर मैं नहीं ले सकता, लेकिन मेरे हिसाब से ये टीम बहुत ही बेहतरीन है और आप इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर जीतने चाहिए, चाहे वो 10 लोगों वाला कॉन्टेस्ट हो, 4 लोगों वाला या उससे ज़्यादा वाला हो। तो यही थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें और कमेंट करें, और अगर आपको इसी तरह की वीडियोस और चाहिए हो तो कमेंट में सब। तो अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।